नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द पीसी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पेंटियम प्रिंटर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका मॉडल नंबर है M6518NW। तो इसमें क्या एरर आ रहा है ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये अपना पेंटियम का प्रिंटर है। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये वार्निंग अप होके कार्ट्रिज एरर दिखा देता है। ये देखो कार्ट्रिज एरर। तो इसके समाधान के लिए हमें क्या करना है, देखो हमने इसके अंदर कार्ट्रिज भी डाल रखी है। ये अपनी PG208 के इसमें कार्ट्रिज डली हुई है, तो फिर भी ये एरर दिखा रहा है। एक बार हम निकाल के इसको वापस भी डाल देते हैं तो देखना अब भी वो ये एरर आ रहा है, वार्निंग अप होके और कार्ट्रिज एरर दिखा देता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे आपको नई नई वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। हम सबसे पहले कार्ट्रिज को बाहर निकालते हैं। तो ये हमने कार्ट्रिज बाहर निकाल ली। इसकी ये टोनर कार्ट्रिज है PG208 के, तो ये ओरिजिनल कार्ट्रिज है इसकी। तो इसके समाधान के लिए हमें क्या करना है, ये दो स्क्रू दिए हुए हैं इसमें, तो इन दोनों स्क्रू को खोलना है। एक ये और एक ये, इन दोनों स्क्रू को हम खोल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर से। हम खोल लेते हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें इसी चिप की होती है। तो जो ये कार्ट्रिज एरर है ये इसी चिप की वजह से ये कार्ट्रिज एरर आ रहा है। तो हमने इसकी ये दूसरी चिप ली, ये टोनर चिप है, ये हमने नई ली है और इसको हम पुरानी को आराम से उतार के और इसमें न्यू वाली जो चिप है वो लगा देते हैं। तो ये हमने न्यू वाली चिप है वो आराम से इसके अंदर लगा देनी है, ध्यान से लगानी है। इसमें छोटा सा लॉक दिया हुआ है, वो लॉक ना टूट जाए। तो इसमें हमने ये चिप लगा दी और इसके जो स्क्रू है वो भी ट्रैक कर देते हैं। दोनों स्क्रू हम लगा देते हैं इसके, जो हमने इसको ओपन करने के लिए खोले थे। तो ये हमने स्क्रू भी लगा दिए। अब हम इसमें डाल के देखते हैं कि हमने इसका कवर को ओपन किया और इसमें ये चिप कार्ट्रिज को इसके अंदर डाल दिया है। और अब हम प्रिंटर को जो कवर है उसको पैक कर दिया, वार्निंग अप होके अब देखते हैं क्या एरर दिखाता है ये। तो ये वार्निंग अप हो रहा है। तो हमारा प्रिंटर रेडी हो चुका है और अब हम इसमें प्रिंट भी निकाल के देख लेते हैं कि इसका प्रिंट कैसा है। तो अपना जो डेमो पेज है वो लगा निकाल के और अब प्रिंटिंग कर रहा है डेमो पेज की। तो ये प्रिंट निकल चुका है, प्रिंटर अपना ओके हो चुका है। प्रिंटर में जो कार्ट्रिज एरर था वो चिप की वजह से कार्ट्रिज एरर आया हुआ था। तो दोस्तों ये चिप आपको मार्केट में मिल जाएगी, अगर नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है वो भी डाल देंगे। और जो अगर लिंक से आप नहीं मंगवाना चाहें तो आप हमसे भी इसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो ये दूसरा प्रिंट हमने निकाल के देख लिया, तो प्रिंट एकदम सही प्रिंट आ रहा है। जो छोटी मोटी ये दिक्कत है ये कार्ट्रिज की है, इसकी हम सर्विस कर देते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।